press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दिल्ली हिंसा को लेकर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने हिंसा रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा है कि दिल्ली हिंसा पूरी तरह से सुनियोजित थी। बता दें कि दिल्ली में फैली हिंसा के बाद अब हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। लोग अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बाहर निकल रहे हैं। दंगा प्रभावित इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। कई इलाकों में धारा 144 में ढील दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि राजधानी में जारी हिंसा को लेकर अब तक 123 FIR दर्ज हुए हैं। 25 FIR फायर आर्म्स की दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 630 लोगों को पकड़ा गया है। इस समय पुलिस सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग में जुट गई है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम सबूत इकट्ठा कर रही है। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 42 और 250 से अधिक लोग घायल हुए हैं।